हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर का समय है और अभी हम लोग आए हुए हैं। ये मेरी फ्रेंड है, वो उन्हीं के ऑफिस, तो ये मैडम को जॉब करना है तो ये मुझे लेकर आई है। अभी हम लोग आए हुए हैं नोएडा सेक्टर 16। हम आए हैं रिलायंस निप्पो लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में, तो बस वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू होगा इनका। मेरी प्यारी से ऑल द बेस्ट बोल दो सारे। हाँ, सारे लोग इनको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। और यहाँ इंटरव्यू होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? घूमने, फन करने। बिल्कुल, बहुत दिनों से घर में बोर हो रहे हैं तो सोचे कि चलो इसी बहाने हम लोग यहाँ आए हैं, कुछ मजा करते हैं। तो उनको आप पहचान ही रहे होंगे जो बैठी हुई है सीमा मैम। तो हम लोग तीनों जाएंगे और हाँ, फिर दिखाते हैं आपको कितने मस्ती किए हैं। हमको देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग यहाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पर केवल लेडीज लोगों का ही है, लेडीज लोग भी यहाँ जॉब करती है। अच्छा है, एक माहौल अच्छा मिल जाता है सभी को, कुछ ऐसा माहौल नहीं है खराब करने वाला। मतलब एक जगह एक जेंडर के लोग होते हैं तो अच्छा होता है ना, अच्छी बात है ना सर। माइनस नहीं है, हाँ केवल पॉजिटिव। सुबह भी वो चेंज कर रहा था क्या? तो चलिए वीडियो कंटिन्यू में रखूंगी, मॉल में जाऊंगी तो वहाँ का वीडियो फिर मैं लेके आपको शाम में मैं इस ब्लॉग को डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हुए हैं अट्टा मार्केट सेक्टर 18 के पास है और यहाँ ये लोग कवर लगवा रहे हैं अपने मोबाइल का, टेम्पर लगवा रहे हैं और कवर देख रहे हैं। तो अभी यहाँ ये लोग देख लें, उसके बाद हम जाएंगे GIT मॉल जो कि इसके अपोजिट साइड में है। गुस्साए नहीं है, मेरा फोन ले लिया, गार्ड लगाना है। फोन ले लिया, फोन ले लिया थोड़ी देर के लिए, ये गुस्सा हो रही है पता नहीं क्यों। फोन और पति को कोई नहीं टच करना चाहिए तब खुद वो खुद से ही लगवा लीजिए, आप लीजिए और खुद लगा लीजिए। नहीं, अब जा रहे तो लगा रहा है। तो मॉल में क्या खाना पीना है? भूख लगा है, भूख लगा है, घर से खा कर भी नहीं आए हम। आज आप पार्टी देंगे? चलिए ठीक है, पार्टी दूंगी। आज हम लोग कुछ खाएंगे, इन लोग खिलाना है आज मुझे, देखते हैं क्या खाना है। क्या खाएंगे? पार्टी देखो, बेचारे बहुत परेशान है, आज बहुत काम करके आई है तब ऑफिस आई, घर में बहुत काम था इनको। तो गाइस, अभी हम लोग आए हुए हैं, सब पागल ही लग रहे हैं। तो ये हम लोग सेक्टर 18 में है ना, अभी हम लोग आए हैं सेक्टर 18। अरे उधर दिखाएंगे ग्रेट इंडिया पैलेस। तो अभी हम लोग को जाना है वहाँ ग्रेट इंडिया पैलेस CIP, उसके पहले ही यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, कुछ खा ले उसके बाद जाएंगे, है ना, क्योंकि भूख लगी है। सुबह का ब्रेकफास्ट करके ही बस हम लोग आए हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:45, इसलिए अभी हम लोग यहाँ कुछ खाएंगे। और ये देखिए, बोलिए मुझे मत दिखाओ, मैं पागल ऐसी हो रही हूँ, पसीना पसीना हो गई है। और ये अपना सेल्फी ले रही है मैडम, आज मैं भी पागल पागल सबसे बड़ी पागल तो मैं हूँ लग रही हूँ, आप लग रही हैं। तो फिर अभी हम लोग कुछ खाएंगे, फिर मॉल जाएंगे। मॉल में क्या करना है? बस सेल्फी लेना है और कुछ करना है? मेकअप करेंगे और अच्छी अच्छी ब्रांड्स देखेंगे कि अभी न्यू अराइवल क्या क्या आया है। बिल्कुल, ये भी है। अच्छा, तो अभी मॉल जाकर वहाँ कुछ हम लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं, नॉट श्योर लेकिन कर भी सकते हैं। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा भी दे देंगे, करुणा करवाएंगे सबको शॉपिंग में डिस्काउंट। तो अभी अभी इस मैडम का सैलरी आया हुआ है तो ये शॉपिंग करवाएंगी। कुछ नहीं बोल रही है, देख लीजिए आप लोग अभी मेकअप के बाद, वो सब मेकअप हो जाएगा उसके बाद ये दिखाएंगे अपना चेहरा। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ खा लेते हैं, ये देखिए सेक्टर 18 में हम लोग हैं, उसके बाद मॉल जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या हम लोग मस्ती कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ गए हैं GIP मॉल और बस अभी सोच रहे हैं क्या ले, क्या लेना है आपको? कुछ नहीं, अभी तो लिपस्टिक देखा जाएगा। लिपस्टिक मतलब कुछ और लेना हो जाए ना, उनका मैट में देखें, देखिए ये स्किन टाइप भी बताते हैं पता है। तो
तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ रेवलॉन, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लेते हैं हम। तो गाइस रेवलॉन में ज़्यादा हमें सेट उन्होंने दिखाया नहीं तो हम वहाँ से नहीं लिए, फिर से हम आ गए हैं यहाँ। लास्ट टाइम जो मैं ब्लॉग बनाई थी हम GIP आए थे तो वहीं पर मैं फिर से आई हूँ। ये स्विस ब्यूटी है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो लिपस्टिक का सेट्स देख ले जो अच्छा लगा। जो पेन वो लगाई हूँ वहीं से लेके गई, सेम है लेकिन मुझे और भी ना बहुत सा अलग अलग लाइट में थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स घर पर मैं आ गई हूँ और थक गए हैं थोड़ा, और ये देखिए जल्दीबाजी में कुछ लेकर आए नहीं तनिषा के लिए, बहुत लेट हो रहा था। और ये खा रही है इधर देखो, सभी को हेलो बोलो। कौन है देखो ना इधर, बुआ के घर कब जाएंगे? पहले इधर देखो। आ हेलो हेलो डैडी हेलो क्या खा रही हो? मैगी। ये खा रही है यम्मी वाला मैगी। अब तुम्हें क्या चाहिए था? पापा। नहीं नहीं क्या खरीदने के लिए बोल रही थी? पापे। पता नहीं ये पापे और क्या क्या। अरे पापे वो जो फूट नहीं है तो वो है नहीं घर में? अरे वो रेनबो वाला चाहिए मुझे। ओ रेनबो वाला चाहिए, ऐसे प्लेन वाला नहीं चाहिए? तो अभी हस्बैंड आएंगे, अभी 7 बज रहा है, 7:30 बजे तक वो आएंगे, फिर देखते हैं कुछ क्या वो खाएंगे। मेरा तो पेट भरा हुआ है, तनु भी अभी खा ली है, अब उनके लिए कुछ शाम का स्नैक्स बनाऊंगी, फिर डिनर बनेगा, देखते हैं डिनर में क्या सब आज पसंद करते हैं खाना। तो वेट करती हूँ हस्बैंड का। चलिए hey guys. Guys, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ मैं, और ये देखिए शैतानी कर रही है, और ये भी गई थी मॉल घूमने के लिए शायद, और मैं आया हूँ ऑफिस से तो मुझे खुद ही चाय बनाना पड़ रहा है और मैं खुद ही चाय बना रहा हूँ, बट लेकिन ये जो है ये उठ ही नहीं रही है तब से। ये देखिए ये भी सोई हुई है, उठना है, उठा उठा के मैं थक गया हूँ, तब मैं लास्ट में वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, कि मैं मतलब 3-4 बार बोल चुका हूँ, बार बार बोल रही थकी हुई है, पानी मुझे खुद ही लगे पीना पड़ रहा है। चाय खोल चुका है मेरा, लास्ट वाइफ बोल के देखता हूँ क्या हुआ। उठ नहीं रहे, देखाता हूँ मैं सोई हुई कोड़ा बीच में। ए नहीं उठना है, ऐसे नहीं मानेगी, 1 मिनट रुकिए इसको पकड़ना हूँ फोन को। नो हेलो बुढ़िए, मतलब ऐसे मुझे आता है किसी को? ऑफिस से आए हैं, पानी वाले पूछे हैं, खुद से पानी लेके पी रहे, खुद से चाय बना रहे हैं। अभी भी नहीं उठाया जा रहा है ये कौन तरीका है जगाने का किसी को? हाँ कौन तरीका है ये? प्यार भरा प्यारा तरीका, ठीक है कोई बात नहीं, वो आपके और तनु की तरफ ही भीगा है, मैं तो आराम से सूखे में सोऊंगा इधर। अब उठना है, फिर से लाए एक बाल्टी पानी। अब उठा के दिखा दीजिएगा। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। डर
लगता है क्रीम से? चाय खोल चुका है। डर लगता है मुझसे? नहीं डर लगता, नहीं लगता है, नहीं लगता है। फालो कैसे करते हैं? नहीं लगता है। जल्दी चाय बनाओ। नहीं बनाएंगे, क्या कर लीजिएगा? नहीं नहीं, पानी क्यों डाले मेरे ऊपर? क्यों डाले पानी? अभी देखिए ना आपको हम कैसे जगाते हैं, रुक जाइए। जल्दी चाय खाने के लिए इधर फेंक दूंगी अभी ऊपर ही। अब लग रहा है कि हाँ घर में कोई है, वरना खुद से चाय बनाओ, खुद से पानी पियो। क्या बर्तन पटक रही हो? सारा बर्तन मैं फेंक दूंगी नीचे। एक दिन चाय बना लेंगे तो पता नहीं लगता है कि मरत का औरत। देखिए प्लेबैक चालू हो चुका है तो आप लोग उस प्लेबैक को मजा नहीं ले पाएंगे। यार तो एक कप बना दी थी, देखिए एक कप बना दी, दो कप लेके आई। मतलब हर चीज में ना इसको शेयर चाहिए। क्या थोड़ा हमको भिंगाया है ना आप? अभी आप रात में सोइए, हम आपको रात में अच्छे से और लेते हैं। कैसे आप सोते हैं? ठीक है दोस्तों, मैं बना रहा था एक कप चाय। देखिए मेरा चाय भी पूरा कम हो गया है और ये अपने में डाल लिया थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं ना, मतलब आधा होता है। मतलब मैं बनाती हूँ आपके लिए चाय, आप बनाए हैं अपने लिए केवल। मैंने ही बोला था क्या घोड़ा बैठ के सोने के लिए? नहीं आपने सोच में घोड़ा बैठ के सोते हैं, चाय को बना क्या उठा के पिलाता है? वो तो पत्नी का कर्तव्य है। पति का क्या कर्तव्य है बताइए? कि चाय बनाया कौन? बीवी सोई हुई है, पानी उछाल दो शरीर में। कौन बनाया चाय? नहीं नहीं, पति का क्या है ड्यूटी? चाय कौन बनाया? सुनिए मेरी बात, पति का क्या होता है? पति का जैसे वीर पत्नी का क्या कहते हैं वो, क्या बोले अभी? पत्नी का कर्तव्य, पति का कर्तव्य यही है कि बीवी सोई हुई तो आके पानी उछाल दो बाल्टी से। आधा गिलास पानी मैंने दिया है और आधा कप चाय ही मैंने दिया। आधा ही गिलास था तुम्हारे, अभी एक गिलास उठा लूंगी तो समझ आएगा। बहुत मुझे ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगता है। बहुत मोबाइल लेके रिकॉर्ड करती रहती हो, वीडियो बनाती हो। हाँ मम्मी के खिलाफ। क्या मतलब? क्या मतलब? चले जाए पीजिए चुपचाप। मम्मी के खिलाफ साजिश करती हो पापा के साथ? तो पापा तुमको पता था पापा मैं पानी छलने वाले हैं? मुझे क्या पता था वो छलेंगे? यही करवाते हैं मेरी बेटी के साथ मिलके, यही करते हैं आप। मुझे पता कहाँ था, सच कह रही हूँ। पापा ही बोले कि इस कैमरा को संभालना। कैमरा संभालवा रहे हैं तुमसे? अब अपने से नहीं संभाल रहा है, यही बकवास करना है कैमरा में। चलिए ना ये सिखाती हूँ कैसे जगाते हैं। सोइए आपस, आप सो के दिखा दीजिए, फिर आप कैसे सोते हैं ना और कैसे जगाते हैं वो मुझे एक बार बताऊंगी। ठीक है मोबाइल दीजिए तो सर। मुझे जगा रहे हैं आप लोग, मजा ले रहे हैं ना सारे लोग देख के? सारे लोग मजा ले रहे हैं। हाँ सारे लोग मजा ले रहे हैं कि भाभी के ऊपर तो पानी गिर गया, अब देखिए आपके भैया के ऊपर क्या क्या मैं गिराती हूँ। ये देखो दो बार, एक तो पानी और एक पहाड़ गिरेगा। पानी पहाड़ गिरेगा, फिर भी इनको ना शरीर में डर नहीं है कि पानी उछल रहा है मेरे ऊपर। पापा कान नहीं चला गया पानी आपने बालकनी में भी तो मामा के ऊपर डाला था पानी। पता नहीं इनका मतलब, एक बार डाल दिए मैं कुछ नहीं की ज्यादा, तो ये तो सोच रहे क्या कुछ करेगी ही नहीं। देखो देखो डालते जाओ, डालते जाओ पानी। मामा ये देखिए, एक बार बेटी दूसरी बार पानी, मतलब ग्लास। एक मैं हूँ जो ऑफिस से आते हैं तो इनका पैर दबा देती हूँ, उंगली पुटका देती हूँ। एक दिन नहीं की तो क्या हुआ, और दिन नहीं करती? वैसे बीबी मिलेगी क्या सातों जन्म? मतलब प्रतिज्ञा कर लीजिएगा जाके 10 साल ना हिमालय में जाके ना क्या कहते हैं उसको, तब कर लीजिएगा तो भी नहीं मिलेगी ऐसी बीबी समझे। आजकल की पता है कि नहीं, ना ढंग की बीबी किसी को मिलती है ना ढंग पति मिलता है। मुझे वहां ढंग से मिल। आपको ढंग से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वही बॉस मजी है। आजकल तो लोग खिलाते पिलाते भी नहीं सकते। खिलाते पिलाते नहीं तो क्या वो खुद खाएंगे? प्यार तो खाने का पति मिलेगा।
पानी उछल के उठाता है पानी उछल हाँ। ये प्यार हुआ, ये प्यार हुआ ना पानी उछल के। मैंने मैंने पानी नहीं उछला था, मैंने अपना प्यार उछला था। आप ज्यादा प्यार हम आपको करते हैं, अभी आपको देखिए ना अभी हम कितने अच्छे से आपको क्या क्या उजलेंगे आपको। इसको तो मैं मारूंगी ना, इतना सब याद है मेरे ऊपर खिचड़ा पानी उजलेगी ना। पहले कौन उजला था तनु? पहले तो पापा स्टार्ट जो स्टार्ट करेगा तो क्या उसको मैं छोड़ दूंगी। एक बाल्टी पानी और मम्मा ने बस एक मग मैंने किचन उजला था, बस एक मग और ये एक बाल्टी पानी उजल दिए थे चश्मिस कहीं के। तोन देखे यार, तोन अपना हाँ, दिख रहा है तोन। तोन का है पेट जो है वो दिखेगा ही। इसको ना खाना, इसको खाना नहीं मिला है। मैं मतलब आई हूँ वहां से, इसे मैं मैगी बना के दी हूँ, खाई है। अभी देखिए इसे क्या चबा रही, निकालो मुंह से। आज मेरा ये ड्रेस खराब कर दी, पता है आज जो मैं ड्रेस पहन के गई थी लिफ्ट में, अच्छा मेरा भी तो ड्रेस खराब हो लिफ्ट में, ये मेरे में आके ऐसे सट गई और इसका ये पता नहीं क्या मेरे ड्रेस में फंस गया, धागा का वर्क किया हुआ है मेरे उस ड्रेस में, और ऐसे कि वो खींची इतना जोर से मुझे पता नहीं चला कब में सटी और कब इसका वो फंस गया मेरे कपड़े में, और इतना जोर से ये खींची पर धागा ही निकल गया मेरे कपड़े का, इतना भी नहीं निकला था। थोड़ा सा निकला था ना वो, और निकलते ही क्या वो देखेगा। तो कान पानी घुस गया है उधर से, ठोकी कान में ऐसे ऐसे जब मैंने ना, तो ना ये मतलब करनी करने के समय इनको नहीं पता होता है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या पापा कभी जैसे कि मैंने आज से 9 साल पहले प्रपोज किया था, उसका नहीं पता था कि अंजाम क्या होगा। 9 साल तो शादी का हो रहा है महारथी, शादी से पहले सब कुछ ठीक था। शादी से पहले अभी तो बहुत अच्छे थे, शादी से पहले तो आप पतले दुबले थे, अब का पहलवान बन गए हैं। शादी से पहले मैं पतला दुबला था और ये थी तो बिल्कुल क्या थे, बिल्कुल अभी बिल्कुल पतले थे और क्या, क्या थे बिल्कुल क्या अपना देखिए ना शरीर अभी। और मैं एक बात बताऊं क्या, तुम कैसी थी हमारी शादी के पहले? मुझे क्या पता रहेगा, तुम बताओ। मुझे नहीं पता। तो गाइस चलिए, बहुत बोर कर दिए आपको हम लोग, ये बोरिंग पर्सन है, बोरिंग क्यों सबको बोर कर देते हैं, और मैं फनी, और वो फनी है पता नहीं किस एंगल से फनी, और ये बनी है हनी बनी का जुलमान, ये बनी है ना। नाक कभी मुझे गुस्सा आया तो मैं फोड़ दूंगी, फिर आप लोग मत बोलिए कि भैया का नाक कैसे टूट गया। ये बनी है बनी हनी बनी का। तो गाइस चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एक सेकंड, मुझे भी कुछ बोलना है। आप ना वैसे निकल ली जब मुझे पापा नहलाते हैं ना, लास्ट में ही ऐसे निकलवाते हैं पानी। तो गाइस बाय बाय।